नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु प्रताप सिंह अपनी कंप्यूटर पाठशाला के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 22 है और इसमें हम देखेंगे परचेज ऑर्डर एंड सेल्स ऑर्डर के बारे में। यानी कि इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर हमें कोई भी सामान परचेज करना है या कोई भी सामान सेल करना है बाई ऑर्डर, पहले ऑर्डर बुक करके उसके बाद कैसे हम परचेज करेंगे और कैसे सेल करेंगे। फ्रेंड्स, ये लेक्चर नंबर 22 है, तो इसको देखने के लिए आइए हम लोग चलते हैं टैली के अंदर। इससे पहले एक बार हम लोग सिलेबस चेक कर लेते हैं। सिलेबस फ्रेंड्स, हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो बैंक रिकंसिलेशन का था, आज है हमारा परचेज ऑर्डर एंड सेल्स ऑर्डर का लेक्चर। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग टैली के अंदर चलते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा टैली का सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, यहाँ पर कंपनी हमने बना दी है परचेज सेल्स ऑर्डर के नाम से। ये हम कंपनी ले लेंगे और इसमें हमने फ्रेंड्स कुछ इनिशियल लेजर्स जो ज़रूरी हैं वो भी हमने बना दिए हैं। अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे, लेजर पे जाएंगे और ये मैं आपको डिस्प्ले कर देता हूँ। यहाँ से ये सारे लेजर्स बने हुए हैं। ये देखिए, एबीसी सप्लायर पार्टी है जिससे हम सामान कोई भी है वो प्रोडक्ट हम परचेज करेंगे। कैपिटल है, कैश है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ICICI है, प्रॉफिट एंड लॉस है, परचेज है, सैलरी है, सेल्स है, टेलीफोन बिल है और XYZ बायर पार्टी है, इसको हम बाई ऑर्डर सामान बेचेंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार हम लोग देख लेते हैं अपना असाइनमेंट देख लेते हैं। असाइनमेंट हमारा यहाँ पे, ये हमारा असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 22, परचेज सेल्स ऑर्डर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ये आप ये देखेंगे कैपिटल है, ये परचेज है, परचेज फ्रॉम ABC ले लेंगे हम, परचेज फ्रॉम ABC। फ्रेंड्स, हमारे पास ये परचेज में ये आइटम है, वाटर है, क्लोथ है, राइस है, क्वांटिटी दिया हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे रेट दिया हुआ है। वाटर 10 रुपीज़ पर लीटर, क्लोथ 200 रुपीज़ पर मीटर, राइस 40 रुपीज़ पर केजी। इसी को सेल करना है ऑर्डर के जरिए। वाटर 800 सेल करना है 15 रुपीज़ पर लीटर, क्लोथ 500 सेल करना है 300 रुपीज़ पर मीटर, राइस 900 kg सेल करना है 50 रुपीज़ पर केजी के रेट से। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा हमारे पास सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है और टेलीफोन बिल है। ये सारे लेजर्स हमने बना लिए हैं। ये जो इन्वेंट्री है आपको, ये इन्वेंट्री स्टॉक आइटम आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आइए हम यहाँ पे चलते हैं, स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में जो फ्रेंड्स इन्वेंट्री से रिलेटेड वर्किंग नहीं जानते हैं वो हमारा प्लीज़ इसके पहले जो इन्वेंट्री का वर्किंग है वो लेक्चर ज़रूर देखें। लेक्चर में लेक्चर नंबर आपका होगा वर्किंग ऑन इन्वेंट्री, ये है आपका, ये लेक्चर हमारा हो चुका है, ये पहले देख लें उसके बाद इसको देखें तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। आइए हम लोग इसमें इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में चलते हैं। यहाँ पे गए स्टॉक आइटम से पहले यूनिट क्रिएट कर लेंगे। हमारे पास LTR लीटर में है, मीटर में है और KG है, तीन यूनिट है फ्रेंड्स हमारे पास। और इसके बाद स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, यहाँ पे गए वाटर, वाटर आपका लीटर में होगा, क्लॉथ, क्लॉथ आपका मीटर में होगा फ्रेंड्स, और इसके बाद आपका राइस, राइस आपका केजी में होगा। ये आपका स्टॉक आइटम क्रिएट हो गया। स्टॉक आइटम क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हमें अकाउंटिंग वाउचर करना है, यानी वाउचर एंट्री करनी है। तो सबसे पहले परचेज एंड सेल्स ऑर्डर को हम एक्टिवेट कर लेंगे। इसके लिए हमें शॉर्टकट की प्रेस करनी पड़ेगी F11, ध्यान दीजिएगा F11 प्रेस करते ही आपके सामने ये ऑप्शंस आ जाएंगे, अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर, स्ट्रेटरी एंड टैक्सेशन। तो हम इस पे इन्वेंट्री फीचर में जाएंगे, इस पे जाके एंटर प्रेस करेंगे फ्रेंड्स, ये हमारा इन्वेंट्री फीचर आ गया। और इसमें लास्ट में देखिए इनेबल ऑर्डर
परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, इन दोनों को आपको यस करना है। तो यहाँ पे यस कर देंगे, अगेन यस और एंटर करके सेव कर देंगे। ये फ्रेंड्स आपका परचेज एंड सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग एक्टिवेट हो गया। इसके बाद हम बाहर आएंगे। सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद यहाँ पे कैपिटल की एंट्री करेंगे, कैपिटल, क्योंकि जब तक अमाउंट कैपिटल नहीं रहेगा तब तक कोई वर्किंग नहीं होगी। मैं रैंडमली ले लेता हूँ 5 लाख रुपीज कैश, बैंक में कुछ डिपॉजिट कर देते हैं। F4 यहाँ पे हमने ले लिया कैश 1 लाख बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, सॉरी बैंक होगा यहाँ पे बैंक, ये आपका 1 लाख बैंक में डिपॉजिट हो गया फ्रेंड्स। इसको एंटर कर करके स्किप कर देना है, ये आपका हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स अगली वर्किंग जो आती है हमारी वो आती है परचेज की। यहाँ पे असाइनमेंट पे चले जाते हैं, ये देखिए विड्रॉल है, विड्रॉल नहीं करते हैं, परचेज पे चले जाएंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे परचेज करना है बट ऑर्डर के जरिए करना है। तो फ्रेंड्स एक चीज़ मैं बता दूं आपको, इसकी जो वर्किंग होती है वो 3 सेक्शन में कंप्लीट होता है। पहले हम लोग क्या करते हैं, परचेज ऑर्डर करते हैं, यानी कैश ऑन डिलीवरी या ऑन कैश, कैश पेमेंट करके भी कर सकते हैं। पहले हमने ऑर्डर दिया, फिर प्रोडक्ट हमारे यहाँ डिलीवर होगा, फिर उसके बाद हम उसको पेमेंट देंगे। तो 3 सेक्शन में कंप्लीट होता है फ्रेंड्स ये हमारा। पहले हम ऑर्डर करेंगे कैश ऑन डिलीवरी पे, COD पे, उसके बाद वो प्रोडक्ट हमारे पास आएगा तो परचेज की एंट्री करेंगे, और फिर जब उसको हम पेमेंट देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, F5 में जाके पेमेंट की एंट्री करेंगे, उस पार्टी को पेमेंट कर देंगे। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग टैली में चलते हैं फिर से। अब यहाँ पे F9 प्रेस करेंगे फ्रेंड्स, हम चले आएंगे परचेज में। परचेज पे गए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पार्टी अकाउंट नेम में ABC सप्लायर ले लेंगे। यहाँ से कुछ डिटेल्स पूछता है आपका। सबसे पहले हमें क्या करना है फ्रेंड्स, परचेज ऑर्डर करना है। तो परचेज ऑर्डर करने के लिए जो शॉर्टकट की होता है आपका Alt+F4 होता है परचेज ऑर्डर के लिए। तो यहाँ पे हम गए परचेज ऑर्डर में, परचेज ऑर्डर में गए और यहाँ से ABC पार्टी का नाम ले लेंगे सप्लायर का, और इसका कंप्लीट एड्रेस हमने दे दिया, जैसे सपोज दिल्ली से ले रहा है, जैसे मान लीजिए हमने दे दिया ASHOK अशोक नगर दिल्ली। दिल्ली होगा, सेल्स टैक्स नंबर इनका जो भी होगा इनका सेल टैक्स नंबर दे देंगे। ये सप्लायर का डिटेल था। अदर डिटेल, टर्म मोड या टर्म ऑफ पेमेंट, तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे COD कैश ऑन डिलीवरी। अदर रेफरेंस, अगर किसी अदर पर्सन के थ्रू हमारी जान पहचान हुई है तो उन पर्सन का नाम लिख देंगे, बाकी इसको छोड़ देंगे। टर्म ऑफ डिलीवरी में हम कर देंगे ऑन साइट, यानी जो एड्रेस हमने दे रखा है उस एड्रेस पे ये हमारा सामान डिलीवर कराएंगे। डिस्पैच थ्रू ट्रांसपोर्ट कंपनी का नाम, कौन सी ट्रांसपोर्ट कंपनी से सामान आ रहा है उसका डिटेल हम यहाँ पे दे देंगे। हमने दे दिया जैसे STAR ट्रांसपोर्ट। डेस्टिनेशन, जैसे सपोज हमारा लखनऊ में है, हमारा लखनऊ में और कानपुर में 2 गोदाम है, तो हम चाहते हैं कि लखनऊ के गोदाम में नहीं कानपुर के गोडाउन में जो सामान डिलीवर हो, तो यहाँ पे डेस्टिनेशन नेम दे देंगे, जैसे हमने दे दिया कानपुर, एंटर। यहाँ पे ऑर्डर नंबर फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम ऑर्डर नंबर डाल देंगे, हमने दे दिया एक सेकेंड परचेज 001, एंटर करेंगे। यहाँ पे स्टॉक आइटम ले लेंगे, तो सबसे पहले वाटर है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वांटिटी 1000 लीटर 10 रुपीज, एंटर। क्लोथ है 500 मीटर 200 रुपीज, राइस है
1000 केजी 30 रुपीस, एक सेकेंड, 40 रुपीस। एंटर करेंगे, एंटर करके इसको हम सेव कर देंगे। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, ये हमारा परचेज ऑर्डर का वाउचर यहाँ पे सेट है, ये परचेज ऑर्डर हो रहा है, अभी सामान हमारे पास डिलीवर नहीं हुआ है, हमने सिर्फ ऑर्डर दिया है। जैसे सपोज आप लोग सोचिए कि जब कोई भी प्रोडक्ट आप ऑनलाइन परचेज करते हैं तो पहले आप ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर देने के 2-3 दिन बाद वो प्रोडक्ट आपके पास आता है, तब आप उसको पेमेंट करते हैं। तो एक बार आइए हम लोग स्टॉक समरी चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ से गए स्टॉक समरी, एंटर करेंगे, देखिए यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि सिर्फ हमने ऑर्डर दिया हुआ है, अभी प्रोडक्ट हमारे पास डिलीवर नहीं हुआ है, जब डिलीवर होगा तब हमारे स्टॉक में आएगा। तो अब सपोज 2-3 दिन बाद प्रोडक्ट हमारे पास डिलीवर हो गया, तब हम परचेज की एंट्री करेंगे। तो यहाँ से गया अकाउंटिंग वाउचर और परचेज की एंट्री, F9 शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। फ्रेंड्स परचेज में आ गए और यहाँ पे ध्यान दीजिए, पार्टी का नाम ABC सप्लायर, यहाँ पे परचेज ऑर्डर आएगा, एंटर कर देंगे, ऑर्डर नंबर ले लिया हमने, ऑर्डर नंबर लेते ही सारी डिटेल्स आ जाएंगी, ये देखिए सारी डिटेल्स आ गई यहाँ पे। अब हम कंट्रोल ए करके इसको सेव कर देंगे, कंट्रोल ए फॉर सेव स्क्रीन, सेव हो गया। अब एक बार जरा स्टॉक समरी चेक करिए, स्टॉक समरी एंटर, यहाँ पे देखिए आपके गोडाउन में ये स्टॉक आ गया है पूरा, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका परचेज हो गया, बट आपने पेमेंट नहीं किया है। जाइए यहाँ से बैलेंस शीट पे जाके देखिए, ये बैलेंस शीट है आपका, यहाँ पे ऑल्ट F1 करिए, ये देखिए सन्ड्री क्रेडिटर 1,50,000 अभी पेमेंट करना बाकी है पार्टी को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वाउचर एंट्री में अगेन जाएंगे और F5 प्रेस करेंगे फॉर द पेमेंट, F5 में गए और यहाँ से हम ABC सप्लायर को ले लेंगे, यहाँ पे देखिए नीचे अमाउंट आ रहा है, यहाँ से ले लेंगे 1,50,000, एंटर। यहाँ पे फ्रेंड्स एडजस्ट रेफरेंस होगा क्योंकि पुराना जो बैलेंस है उसको हम एडजस्ट कर रहे हैं, एंटर कर देंगे और ये कैश पे कर देंगे या चेक पे कर देंगे, जो भी करना है। ये अब जाके हमारा परचेज वाला टास्क कंप्लीट हुआ, पहले हमने परचेज ऑर्डर किया, फिर हमने उसको परचेज किया, फिर हमने इसको पेमेंट कर दी, अब हमारा क्लियर है। अब फ्रेंड्स जैसे सपोज इसी तरह से कोई अदर पर्सन हमको अगर ऑर्डर करता है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए सेल्स ऑर्डर करेंगे, शॉर्टकट की याद रखिएगा Alt+F5 सेल्स ऑर्डर, Alt+F5, फिर देखिए सेल्स ऑर्डर आ गया। यहाँ पे पार्टी ले लेंगे XYZ, ये हमने बायर का डिटेल ले लिया, यानी कि जो हमसे परचेज कर रहा है सामान उसका एड्रेस, जैसे हमने दे दिया यहाँ पे PATNA पटना बिहार, एंटर करेंगे बिहार, सेल टैक्स नंबर, टर्म ऑफ पेमेंट सेम COD कैश ऑन डिलीवरी और टर्म ऑफ डिलीवरी ऑन साइट, डिस्पैच थ्रू स्टार्ट ट्रांसपोर्ट ले लेते हैं, वही डेस्टिनेशन पटना। यहाँ पे सेल्स ऑर्डर नंबर सेल्स 001 ले लेते हैं और यहाँ पे अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमें सेल करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए वाटर 815 रुपीस, क्लोथ 300 रुपीस, राइस 950 रुपीस, वाटर 800 ₹15, आपका क्लोथ 500 पूरा सेल हो रहा है और 300 रुपीस पर
मीटर के रेट से आपका राइस राइस 900 और 50 रुपीस के रेट से। एंटर 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 एंटर, ये इसको करके सेव कर देंगे। फ्रेंड्स आपका ये सेल्स ऑर्डर हो गया। एक बार आइए चेक कर लेते हैं स्टॉक समरी। यहाँ से स्टॉक समरी पे गए, एंटर। यहाँ पे देखिए क्लोथ राइस वाटर आपने सेल किया है, बट इसमें से कोई भी अमाउंट डिडक्ट, यहाँ से कोई भी क्वांटिटी डिडक्ट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी सिर्फ ऑर्डर किया है आपने, यानी कि आपको ऑर्डर मिला है, अभी आपने जो प्रोडक्ट है वो आपने डिलीवर नहीं किया है। तो जिस दिन प्रोडक्ट हम डिलीवर करेंगे उस तारीख में हम क्या करेंगे, सेल्स की एंट्री करेंगे। अब सपोज दो दिन बाद आप प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सेल्स की एंट्री करेंगे। अकाउंटिंग वाउचर में गए और सेल्स F8 शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, यहाँ से सेल्स पे चले गए। पार्टी नेम ले लेंगे XYZ बायर और एंटर करते जाएंगे। यहाँ से यहाँ पे ऑर्डर नंबर पूछेगा, ऑर्डर नंबर यहाँ से ले लीजिए। ये देखिए ऑर्डर नंबर सेल्स वन जो दिया था, एंटर एंटर करेंगे और ये देखिए सारी डिटेल्स आ गई। कंट्रोल A करके यहीं पे सेव कर देंगे। ये आपका सेल हो गया। अब सेल होने के बाद वापस से ज़रा एक बार फिर से हम लोग चेक करते हैं स्टॉक समरी। यहाँ पे देखिए आपका क्लोथ गायब हो गया, पूरा बिक गया। राइस 100 kg बचा हुआ है, वाटर 200 लीटर बचा हुआ है। अब फ्रेंड्स ये आपका सेल हो गया, बट पेमेंट आपने अभी रिसीव नहीं किया हुआ है, यानी जो पैसा आपको मिलना चाहिए वो आपको मिला नहीं है। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं बैलेंस शीट में जाके, डिटेल्स करिए। ये देखिए सन्डरी डेप्टर 2,07,000 रुपये ही आपको देंगे, अभी आपको मिला नहीं है। तो क्या करेंगे, अगेन वाउचर एंट्री में जाके और हम लोग रिसिप्ट की एंट्री करेंगे। यहाँ पे गए F6 रिसिप्ट और यहाँ से XYZ बायर ले लेंगे 2,07,000 रुपये। एंटर एडजस्ट रिफरेंस, वही सेम प्रोसेस रहेगा और बाई कैश रिसीव कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट हो गया, ये हो गया आपका परचेज ऑर्डर एंड सेल्स ऑर्डर। फ्रेंड्स आपका इसमें कोई भी अगर डाउट आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और इसके आगे हम लोगों के पास और जो लेक्चर बचे हुए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो एक नॉर्मल इंस्टीट्यूशंस में जो पढ़ाया जाता है लगभग 3 मंथ्स का सिलेबस होता है, उसमें परचेज ऑर्डर सेल्स ऑर्डर हो गया आज की डेट में, और डिस्काउंट कॉलम ऐड करना है, फिजिकल स्टॉक एंट्री है, पेरोल है, देन लास्ट में GST है। फ्रेंड्स ये आपका टैली का पूरा प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।